बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें जिसके रूट्स हैं 1 और 5। तो बच्चों अब जो के रूट्स हैं इसके 1 और 5, तो मैं इसका सम फाइंड करूँगा। 1 प्लस 5 तो आ जाएगा मेरे पास 6, और इसी तरह मैं इसका प्रोडक्ट फाइंड करूँगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल 5। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फार्मूला होता है x² - sx + b = 0। अब जो सम ऑफ रूट्स है मेरे पास 6, इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास है 5, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ x² - 5x + 6 = 0। एक और पार्ट बच्चों इसका करते हैं जिसमें रूट्स हमारे पास हैं 2 और -6। तो बच्चों सबसे पहले मुझे इसका सम फाइंड करना होगा, तो सम करेंगे 2 - 6 तो आ जाएगा मेरे पास -4, और इसी तरह प्रोडक्ट करेंगे तो 2 - -6 तो मेरे पास आ जाएगा -12। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फार्मूला x² - sx + p = 0। अब यहाँ पे बच्चों मेरे पास सम है -4, तो x² - sum - 4 × x + प्रोडक्ट की वैल्यू बच्चों मेरे पास है -12 = 0। तो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - -4x + -12 = 0। एक और क्वेश्चन बच्चों प्रॉब्लम है हमारे पास, अब रूट्स गिवन है 1 + i और 1 - i, तो मैं इसका सम फाइंड करता हूँ। सम इक्वल्स चाहिए 1 + i + 1 - i, से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास सम आ जाता है 2। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो 1 + i × 1 - i। तो वो जो देखिएगा 1 + i, 1 - i, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके ऊपर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं α + β × α - β, जो कि इक्वल आ जाएगी 1² - iota² 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -iota² की वैल्यू -1, 1 - -+1 आ जाएगा मेरे पास बच्चों 2। अब सम ऑफ रूट्स आ गया मेरे पास 2, इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया 2, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूँ x² - 2x + 2 = 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब उसने कहा है कि इक्वेशन है x² - 3x + 6 = 0, और इसके रूट्स हैं α + β। तो मेरे पास बच्चों गिवन इक्वेशन है x² - 3x + 6 = 0। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास a इक्वल आ जाता है 1, b इक्वल आ जाता है -3, और c इक्वल आ जाता है 6। अब अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बच्चों मैं कहूँगा कि सम ऑफ रूट्स ये आ जाता है बच्चों -b/a यानी के 3, और इसी तरह प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा मेरे पास आ जाएगा 6। तो बच्चों मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं 2α + 1 और 2β + 1 आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बच्चों सम ऑफ दीज रूट्स आ जाएगा 2α + 1 + 2β + 1, तो इन दोनों में से 2 कॉमन α + β, और ये 1 + 1 मेरे पास आ गए 2। अब α + β की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं जो कि है 3, तो आ जाएगा 2 × 3 + 2 = 6 + 2 = 8। तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 2α + 1 × 2β + 1,
तो बच्चों यह आ जाता है 2 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 6, तो 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस 1, 6 4 24 प्लस 3 2 6 प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों 30। तो बच्चों मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फार्मूला होता है x² - sx + p = 0। तो बच्चों मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे पास आता है x² - 8x + 31 = 0। तो बच्चों ये है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्टूडेंट्स करते हैं पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें आप देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उसने हमें हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, जो कि है हमारे पास 3, और इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वो है हमारे पास 6। जो इसको हमने एवेल्यूएट करना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इससे हमने बनानी है इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा सम ऑफ रूट्स आ जाएगा मेरे पास, इसको देखते हैं, सॉरी इसको पहले मैं सम लिख लूँ। तो अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, न्यूमरेटर में देखोगे मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू मेरे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 6 बाय 6, जो कि अल्फा बीटा की वैल्यू है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 12 बाय 6, जो मेरे पास आ जाएगा -3/6, जो कि मेरे पास आ जाएगा 1 -1/2। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जो कि आ जाएगा अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, जो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1। अब सम ऑफ रूट्स भी आ गया, -1/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारे पास 1। तो मैं x² - sx + p = 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा x² + 1/2x + 1 = 0। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। यहाँ पे उसने इक्वेशन दी है x² + px + q, और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो बच्चे सबसे पहले हम कहते हैं कि गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास। गिवन इक्वेशन है हमारे पास x² + px + q = 0। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है p, और c की वैल्यू है q। जो अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, वो जो सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस पी, और इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास आ जाएगा क्यू। जो मुझे इन रूट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मैं लिखता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ रूट्स। तो ये बच्चों आ जाएगा इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, तो ये मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है क्यू स्क्वायर इक्वल्स, सॉरी ये मेरे पास जो प्रोडक्ट आ गया x² - sx + p = 0। तो बच्चों मुझे इस इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज फाइंड करने तक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकूँ, तो मेरे पास आती है बच्चों x² - p² - 2q * x +
क्यू स्क्वायर इक्वल्स ज़ीरो।